आज हम आए हैं निकॉन कंपनी के मिररलेस की वर्कशॉप में। मिररलेस टेक्नोलॉजी में जो जो नए नए फीचर्स आए हैं वो हमें आज यहाँ पर बताएंगे और हम देखेंगे कि भैया किस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो आज के मेंटर हैं वो है विजय जी शाह, उनसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि भैया किस तरह से आपका निकॉन कैमरा जो है वो ज़्यादा बेटर है, जैसे कि Z5 भी नया लॉन्च हुआ है, Z6 II लॉन्च हुआ है, तो उनके अच्छे अच्छे फीचर्स हमको देखने को मिलेंगे। हम जैसे कि मिररलेस कैमरा से वीडियो करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वीडियो के हमें कौन से अच्छे फीचर्स उनमें मिल सकते हैं कि हम हमारे कैनन को छोड़कर, हमारे सोनी कैमरे को छोड़कर हम निकॉन में शिफ्ट करें। कुछ क्वेश्चन हम उनके साथ में रखेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके जो मेरे पास आते हैं कमेंट के द्वारा, वो क्वेश्चन मैं उनसे पूछूंगा और बताऊंगा आपको कि भैया इनका सॉल्यूशन किस तरीके से है। क्योंकि जब तक हमारे पास कैमरा आता नहीं हाथ में, तब तक हम उनकी क्वालिटी नहीं निकाल सकते हैं। तो क्वालिटी देखने के लिए आपके शहर में कहीं पर भी आसपास हो तो आपको कोई सा भी वर्कशॉप हो अटेंड जरूर करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कैनन ज़्यादा यूज़ करता हूँ, निकॉन भी यूज़ करता हूँ, लेकिन सभी कैमरों में फीचर्स जो होता है वही होता है कि भैया ISO, शटर स्पीड, कलर और जो भी हमारे वीडियो के फीचर्स होते हैं स्लो मोशन के हो गए हैं या मेगापिक्सल से हो गए हैं, तो ये कैमरे की बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं। बाकी कैमरा कंपनी जो है सब अलग अलग तरीके आती है। यदि आपको निकॉन में इंटरेस्ट है और निकॉन यूज़र हैं आप और बाई चांस आपको किसी अदर कंपनी से अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप निकॉन की वर्कशॉप जरूर अटेंड करें, मिररलेस कैमरा को चेक करें और अच्छे से अच्छे फीचर्स निकालें। चलिए अंदर इंटर करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं और किस तरह से हमें सुविधा जो है मिररलेस कैमरा निकॉन के दे सकते हैं। तो लाइट है मेरे पास हमेशा, है ये तो हम लोग यूज़ नहीं करते। मैंने आपको बताया, मुझे देखिए 5-7 लाख का लेंस, 5 लाख की बॉडी लेके मैं किसी का पासपोर्ट साइज फ़ोटो नहीं निकाल लूँगा, मैं अपनी अच्छी फोटोग्राफी नहीं दिखाना चाहूँगा उसको, उसका नेचर नहीं है। तो आपको कोई एक सागर जी हमारे साथ में है निकॉन कंपनी से, यह आपको बताएंगे कि वर्कशॉप को आप अटेंड करने से आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं और वर्कशॉप में आपको कैमरे की प्राइस किस तरीके से मिल सकती है। यदि आप डीलर के पास भी जाते हैं तो आपको वो प्राइस नहीं मिल पाती जो आपको चाहिए होती है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर फोटोग्राफर जो है एक बार्गेनिंग में लगा होता है। यदि आपका कुछ भी रेट मिलता है तो वो चाहता है कि हमारा 1,000-2,000 रुपये, 5,000 रुपये कहीं से तक कम हो जाए। तो वर्कशॉप अटेंड करने से आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और किस तरह से आपके आसपास कोई सी भी वर्कशॉप होती है तो आपको अटेंड जरूर करना चाहिए। सर हमें बताएंगे कुछ इनकी स्पेशलिस्ट बात है जो निकॉन के बारे में है। यस सर, पहले तो आपके सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं निकॉन का मध्य प्रदेश का सेल्स एंड मार्केटिंग देखता हूँ। और जहाँ तक रहा निकॉन का एक्टिविटीज़, निकॉन ने हमेशा फोकस किया है कि जो हमारे फोटोग्राफर्स जो भाई बंधु हैं उनके लिए हम कुछ ऐसी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें ताकि उनको फोटोग्राफी से रिलेटेड सारी नॉलेज मिले। मतलब प्रोडक्ट तो हम दिखाते ही हैं, प्रोडक्ट हमारे जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में पूरा अपग्रेडेशन मिलता है। इसके साथ साथ हमारे जो मेंटर्स होते हैं, हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो फोटोग्राफी की टिप्स उनको देते हैं जो कि आगे उनका जो कोई वेडिंग कर रहा है, कोई फैशन कर रहा है, कोई वाइल्डलाइफ कर रहा है, तो सारे जॉनर्स में हम वर्कशॉप करते हैं। और वर्कशॉप का मेन मोटिव जो होता है ना, आदमी को उसका जो स्किल्स है उसको डेवलप करने के लिए होता है। वर्कशॉप का मोटिव हमारा कहीं भी प्रोडक्ट सेल करने का नहीं होता है। प्रोडक्ट हमारा ऑलरेडी निकॉन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इन इंडिया, तो प्रोडक्ट सेल करने का ही नहीं, हमारा ये है कि हमारे जो फोटोग्राफर भाई बंधु है वो उनका सेल्स स्किल्स डेवलप हो, वो अच्छे से अच्छा काम करें। अच्छे से अच्छा काम करेंगे तो उसमें जो हमारे गियर्स हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, वो कैसे उनकी हेल्प कर सकती है, वो हम इस वर्कशॉप के माध्यम से बताते हैं। वर्कशॉप अभी पिछले 2 साल से कोरोना के चक्कर में हम लोग वी आर डूइंग ऑनलाइन एक्टिविटीज़, मोस्टली वी आर फोकसिंग ऑन ऑनलाइन। अभी कोरोना के बाद हमने स्टार्ट किया है कि हम वी आर फोकसिंग ऑन ऑफलाइन एक्टिविटीज़। तो कोरोना का जो पहला हमारा वर्कशॉप है मंदसौर में, जो हमारे यहाँ के डीलर हैं शर्मा आर्ट स्टूडियो, उनके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और इसमें वर्कशॉप में फोटोग्राफर्स से मेरा यही निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें, जो भी इनकी क्वेरीज हैं, जो भी उनको दिक्कतें आती हैं, वो हमारे मेंटर्स, हमारे इन्फ्लुएंसर्स, हमारे टेक्निकल टीम से समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ हम बेस्ट ऑफर्स भी देते हैं जो हमसे वर्कशॉप्स के लिए रखते हैं, तो वो ऑफर्स का भी वो लाभ ले सकते हैं अगर आपको कोई कैमरा बुक करते हैं। अपने अभी आप कौन से स्पेशल मॉडल जो हैं जिनका डेमो देंगे और जो हमें अभी अवेलेबल हो सकते हैं यदि हम खरीदना चाहें तो? देखिए अभी टेक्नोलॉजी DSLR टू मिररलेस चेंज हो रही है, इसका रेवोल्यूशन का टाइम चल रहा है, तो अभी हमारा फोकस मेजरली निकॉन मिररलेस पे है। निकॉन मिररलेस में हमारा Z6 II G6 II करके जो हमारा जो लीडिंग हीरो मॉडल है वो आज डेमो के लिए अवेलेबल है। G7 II करके जो हमारा फ्लैगशिप मॉडल है वो अवेलेबल है। G5 है, G50 है, सारी रेंज हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। सर इसमें जैसा कि रेट जो हमें मिलता है डीलर से, यदि हम परसों खरीदें, अगर यदि हम आज बुक करते हैं तो हमें इसमें कितनी छूट मिल सकती है? नहीं देखिए प्राइस की बात तो हम सेकेंडरी रहता है, आप सबसे पहले तो वर्कशॉप में आने का मेन मोटिव होता है कि आपको पता चलता है कि वो फीचर, वो प्रोडक्ट आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो पहले तो आपको वो एक बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपको
प्राइस का बेनिफिट जो भी मिलेगा वो डीलर के थ्रू ही मिलेगा, लेकिन आज अगर बुक करते हैं तो हम डीलर के थ्रू वो प्राइस जो भी बेनिफिट होगा पास ऑन करते हैं। डेफिनेटली है कि आज का अगर हम बुक करते हैं तो हमें एडिशनल ऑफर जरूर मिल जाएगा, वो हम देते हैं तो वो आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। जी जी जी। तो निकोन जो है आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहा है इसलिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मिररलेस कैमरा में यदि आपको कोई फंक्शन नहीं पता है, उसको अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर सक रहे हैं, तो आज वो हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा, जो मैं आपके साथ में भी शेयर करूँगा और बताऊँगा कि हमें Z6II, क्योंकि मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो मित्र लोग हैं, दोस्त लोग हैं, Z6II पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रखते हैं और वही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो देखते हैं Z6II की हमें क्या और क्वालिटी मिल सकती है। और जैसा कि सर ने बताया है कि भैया आपको वर्कशॉप अटेंड करना चाहिए, उससे इनोवा का कोई मतलब नहीं है कि आप निकोन यूज़ कर रहे हैं, कैनन यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात लगी मुझे इनकी, सारे कैमरा के फीचर्स आपको सिखाए जाएंगे यहाँ पर और बताए जाते हैं, तो कोई सा भी वर्कशॉप हो आपको जरूर अटेंड करना चाहिए, और यदि आप निकोन यूज़र हैं तो आपको निकोन के सारे फीचर्स को देखना चाहिए और समझना चाहिए, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप वर्कशॉप अटेंड कीजिए, आपको सारे फीचर्स बताए जाएंगे। अपने कैमरे में भी छोटा कैमरा जो फ्रेम में तो बट एस लाइन ने जो लेंसेज अभी चल है ना, इसीलिए लोग है ना जो टेली लेंस है वो ज़्यादा यूज करते हैं बोके बनाने के लिए, आउट ऑफ फोकस बैकग्राउंड को करने के लिए, वाइड एंगल की डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाती है थोड़ी सी, वाइड एंगल पर भी होगा है ना बट कंपेरेटिवली कम होगा। तो हमने अभी देखो 85 लिया है, 85 से लेके 135 के बीच का झगड़ा है पूरी दुनिया में बहुत सारे फोटोग्राफर्स के बीच। हम लोग तो बहुत छोटे से फोटोग्राफर जो R&D वाले साइंटिस्ट लोग हैं है ना, और जो जिन्होंने फोटोग्राफी को देखा जाए तो वर्षों से लिख रहे हैं, मतलब आईफोन के अंदर बन रहा है तो साइंटिस्ट ही काम कर रहे हैं उसके अंदर, तो उनका ऐसा मानना है कि 1/3 आगे और 2/3 पीछे फोकसिंग पॉइंट है। आप फोकस अगर पीछे कर दोगे तो पीछे से चालू होगा, लेकिन पीछे से थोड़ा आगे होगा, इसलिए जब ग्रुप फोटोग्राफ निकालते हैं जिसमें सबको बहुत दिक्कत है, अभी पुराना फोटोग्राफर हमारा 25-20 साल पहले तो F16 F22 यूज करेगा जिससे डेप्थ ज्यादा से ज्यादा सॉलिड शार्पनेस में है, बट फोकस कहाँ करें। तो जो रेगुलर ग्रुप फोटो करते हैं तो फोकसिंग पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए अब आप देखिए पूरी फ्रेम पे फोकस करता है क्योंकि हमारी फोकसिंग की नीड बढ़ गई। पहले हम क्या करते थे कि सेंटर फोकस होता था, तो आप देखना सब फोटोग्राफर पहले ऐसा फोकस करते थे लॉक करके फिर नीचे कर लो है ना, ऐसे ही होता ना, सेंटर फोकस होता था, वरमाला होती थी तो दूल्हा इधर दुल्हन इधर बीच में तो हाथ होता था, तो कई बार था कंफ्यूजन के अंदर पीछे का फोकस हो जाता था। तो अब इन्होंने क्या करा कि फोकस पॉइंट इतने बढ़ा दिए आपके, तो आप लेफ्ट साइड में ब्राइट पर रख लो या ग्रुप पर रख लो, थोड़ा सा अपर्चर को एक स्टॉप नैरो करो, दोनों फोकस में आएंगे। कोई फर्क है अपने 50 पर में लिए हुए उधर है, काफी फर्क है वो उसका एलसीडी का स्क्रीन बता रहा है, इसके कलर में उसके कलर तो येलो मैजेंटा का फर्क है 19-20 तो 20-20 ये इंटेक्स का है चमड़ी वाला चमड़ी का कलर आपका तो नहीं लगा है ना, बट जो आप देख रहे हैं वो वहां पे है और इतना सा फर्क अगर आ भी गया बहुत 1-2% आप बहुत इजीली कर सकते हैं 1 घंटे तक। आप कैमरा लेंगे तो सामने आएंगे फ्लैश बंद कर देना। डायरेक्टली मारते हैं रिफ्लेक्टर को लाइट मारते हैं एंड देन लाइट को इवन करते हैं
तब भी ये खरीद जाता एंड डेफिनेटली उससे आपको और ज़्यादा डेप्थ मिलती क्योंकि अवेलेबल लाइट पूरा ट्रेवल करेगी, ये लाइट सब्जेक्ट पे पड़ के स्प्रेड होती है इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग लाइट बोलते हैं और ये आर्टिफिशियल लाइट है बट प्रॉपर लाइट लगा के जितना मजा इसका है उतना ही उसका है। अब यहाँ पीछे कितनी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स तो हम भी शादी में प्रोडक्ट तो हम नहीं कर रहे हैं, हम बताओ हम सर बट हम लाइट यूज करें। बेनिफिट ये हुआ कि मिररलेस की छोटी मोटी जानकारी देने के लिए आया हूँ और कैसे लोग थोड़ा सा एस्थेटिकल का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा इसका टेक्निकल और थ्योरेटिकल पार्ट को ध्यान में रखते हुए काम करें जिससे कि उन्हें और ग्रोथ मिले, उनका अपडेशंस होए, वो अपग्रेड हो। अब देखा जाए तो अभी आज के समय में हर व्यक्ति अपडेट होना चाहता है, अपग्रेड होना चाहता है ना। तो अपग्रेड तो हमारी नाइकन आप लोग को अपग्रेड होने के लिए बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। बेसिकली नाइकॉन जो है आए दिन ऐसी अवेयरनेस की वर्कशॉप्स कराती हैं और जिसके माध्यम से आप लोग बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अभी एक हम सेशन कर रहे हैं फ्रॉम निकॉन, तो हम इन्हें कुछ ऐसी ऐसी छोटी टिप्स देंगे जिनसे इनको काम करने में बहुत आसानी होगी। और वैसे बरसों से नाइकॉन यही काम कर रहा है फ्रॉम एनालॉग या उनके भी पहले से लेके देन डिजिटल SLR आया और अब डिजिटल SLR का अपडेशन है मिररलेस। तो आज थोड़ा सा मिररलेस पे बताएंगे, दो तीन चीज़ें मैं बता देता हूँ जिससे कि बहुत आसानी हो रही है। मिररलेस बेसिकली कि कैमरा के सिस्टम्स में से मिरर को हटा दिया गया है, है ना, जिसकी वजह से कैमरा थोड़ा लाइट वेट हो गया है, थोड़ा सा शेकिंग कम होती है क्योंकि मिरर के काम ख़त्म हो गए हैं, ठीक है ना, वो जो बंद हो चुका है मतलब मिरर है नहीं उसके अंदर, अच्छा मिल जाता है। तो फोकसिंग बहुत फास्ट किया है इन्होंने, लगभग हाइब्रिड फोकस है 473। एक हमारे व्यूवर्स का ये कहना है कि मिररलेस कैमरा से वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं लेकिन फोटो में थोड़ी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। ना ना ना, ये ऐसे सिर्फ मिथ है, सिर्फ कन्फ्यूजन है सर, वो कन्फ्यूजन थोड़ा सा कहीं कुछ नहीं हुआ है और फास्ट हुआ है, फास्ट हुआ है। मिरर नहीं होने की वजह से लाइट डायरेक्ट ट्रेवल कर रही है, बीच में कुछ और हर्डल्स नहीं है तो फोकस और थोड़ा फास्ट ही होगा मिलेगा। ये तो सही बात है, वीडियो ज़्यादा देखिए होने वाले आने वाले समय में हो सकता है जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है टेक्नोलॉजी तो लोग एकदम से अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं ना, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो आने वाले टाइम में यही चीज़ बहुत स्प्रेड होगी, बहुत वाइड होगी, वास्ट बनेगा, काफ़ी बड़ा होगा। यहाँ तो लगभग यूज़ Z6 II कर रहे हैं और मैंने देखा उनको वीडियोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है, फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा। बेसिकली निकॉन का इन कैमरा जो JPEG के करेक्शंस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, अभी हम यहाँ पे शूट करके भी दिखाएंगे, लोग के छोटे मोटे कन्फ्यूजन अपने आप दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों सर ने बताया है कि भैया छोटे मोटे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इसीलिए वर्कशॉप लगाया जाता है, आपको बताया जाता है कि आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो आप हर एक वर्कशॉप अटेंड कीजिएगा, आपको सारे रिजल्ट और सारे डाउट जो हैं सर क्लियर कर देंगे। यदि आप वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आपके आसपास भी कहीं भी वर्कशॉप होता है तो आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्कशॉप अटेंड करना, इससे हमारा सब फोटोग्राफर जो है फील्ड जो है अपग्रेड होता है, जैसे कि कैमरे अपग्रेड होते हैं, जैसे हर सीजन में नए कैमरे आ जाते हैं उस तरह से फोटोग्राफर को अपग्रेड होना पड़ेगा तभी जाके हमारी फोटोग्राफी जो है बेस्ट हो पाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। कैसा लगे है ना, तो देखो लाइट अच्छी मिल गई, बाकी अच्छा मिल गया तो हमको ये भी देख लो, दो सेकंड में दिख गया मैं तो आपके बाद आया फोटो आप करूँगा आप पहचानने लग जाएंगे क्या होगा जाने के बड़ा पैकिंग करवा लेके परफेक्ट फोटो बने, एक फोटो बनते लेकिन परफेक्ट बने है ना। चलो सर को जब तक मजा नहीं आया सर फोटो ही क्लिक करेंगे, 10 फोटो क्लिक नहीं करेंगे इसलिए सर जा रहे हैं। ये मैम पीछे से जाएं नीचे आ जाओ, आई जो
चेंज करें सर, है ना मैडम, थोड़ा देर इधर ले, थोड़ा सा फिर जाइए, थोड़ा पीछे जाना, थोड़ा ये फिर वो सामने बनाए सर, थोड़ा बैकग्राउंड छोड़ दीजिएगा, थोड़ा फोटो अच्छा बन जाएगा, अब तो फोटो बढ़िया बन जाएगा। आज देखने की जरूरत है, क्या हो गया, इधर आ जाओ यहाँ पे भैया, गुरु आप थोड़ा इंस्पिरेशन चेंज कर लें, थोड़ा एक बार आई साउंड हो गया, जल्द हो गया, ज़्यादा हेवी है। सब मेरे लिए साइलेंस मैटर पर चल रहा है क्या, पता ही नहीं था फोटो क्लिक हो रही है, हाँ चलता ही नहीं है वही। अरे पोछे निकाल दो, दूसरा सर का ना, अरे ये भी सर इधर थोड़ा सा सही ना, कोई सा जैसा आपको कंफर्ट लगे हां थोड़ा तो बन जाए, चलो इधर आइए, पीछे जा जाइए, थोड़ा सा पानी छोड़ देना, आगे फोटो, आगे फोटो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं डाउन, कुछ खास मैंने बताया ना, कुछ ना कुछ एक खास चीज कंपैटिबिलिटी कभी कभी आ जाती है, थर्ड पार्टी यही, अगर आप निकॉन का लगाएंगे ना डेफिनेटली आपको लेकिन वो वाला काम अगर चाहिए अपन को तो उस कैमरे पे जाना पड़ेगा, सीधी सी बात ही है, एक कैमरे से सारा काम हो जाए तो पॉसिबल ही नहीं, अपन भी मानता है कि मिरर लेस वीडियो के लिए तो वीडियो ज्यादा परफेक्ट बनता है, फोटो नहीं बन पाता, पर वो ट्राई करते हैं टीवी में लगा के।